हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मखदूमी, मेरी तरफ से आप सबको एक प्यारी सी चुमी। तो चले बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस बात करेंगे सनी देओल की मूवी गदर 2 के बारे में। तो मूवी ने रिलीज होने के बाद अपने 11 डे पे अभी तक 375 करोड़ रुपीज का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। संडे वाले दिन मूवी ने 41 करोड़ रुपीज का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज मूवी 400 करोड़ रुपीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रॉस कर लेगी। 400 करोड़ रुपीज का बिजनेस करने में कामयाब हो जाती है तो मूवीज को चाहिए 34 करोड़ रुपीज KGF 2 को बीट करने के लिए, जबकि 111 करोड़ रुपीज मूवी को चाहिए बाहुबली 2 को बीट करने के लिए। इसी तरह अगर बात की जाए दंगल और पठान मूवी के बारे में तो दंगल को क्रॉस करने के लिए मूवी को चाहिए सिर्फ 10 करोड़ रुपीज, जबकि पठान को क्रॉस करने के लिए मूवी की चाहिए 156 करोड़ रुपीज। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गदर 2 की डायरेक्शंस की तरफ से यह बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि वो बहुत जल्द गदर 3 की शूटिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चले मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।